गाइस वेलकम बैक टू पल्लविज हेल्थ बकेट। तो जिस दिन हम लोग चौकी हवेली गए थे उस दिन मैं सबसे पहले नोएडा हाट गई थी, तो ये बिल्कुल अगल बगल ही है। तो अभी मैं आपके साथ आज नोएडा हाट वाली वीडियो शेयर करने वाली हूँ और चौकी हवेली की वीडियो मैंने शेयर की है अपने प्रीवियस व्लॉग में। अगर आपने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर वहाँ से चेकआउट करना। बहुत अच्छी जगह है नोएडा में घूमने के लिए। और अभी चलते हैं हम नोएडा हाट, चलिए आप भी मेरे साथ। तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें और लाइक एंड शेयर करें ना भूलें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इसमें क्या सबसे अच्छा लगा। Your pretty eyes make me smile and your little face make me stay with you. Eyelashes moving softly, little arms make me all of you. Ooh, babe, I love you so much, so much. तो सबसे पहले हम आए हैं इस सेरेमिक के शॉप में। यहाँ पे सेरेमिक की सारी चीज़ें हैं और प्राइस भी मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगा। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ थोड़ा सा महंगा होता है नोएडा हाट में या फिर इसी तरह का आप दिल्ली हाट में भी देख पाएंगे, बट हाँ यहाँ पे आज हो सकता है अभी जो टाइम चल रहा है इसकी वजह से भी रीज़नेबल प्राइस पर सब कुछ मिल रहा था। तो ये सब छोटे छोटे जो पॉट्स थे वो 50 रुपीज़ के थे और ये सारे जो कप्स वगैरह हैं ये कॉफ़ी मग्स जो हैं ये 50 रुपीज़ ईच था। और कलर्स भी डिज़ाइंस भी बहुत ही अच्छे अच्छे थे। यहाँ पे सब कुछ हैंड पेंटेड पॉट्स वगैरह थे जो भी, और टेराकोटा का ये सारे जो ऑर्नामेंट्स आप देख रहे हैं टेराकोटा का है, तो सब कुछ हैंड पेंटेड हैंडमेड था। और डिफरेंट जो ट्रेडिशनल आर्ट होती है जैसे कि मधुबनी आर्ट, वर्ली आर्ट, ये सब ज़्यादातर बनाया गया था। ये फ्रेग्रेंस की शॉप है, इसमें जो भी एसेंशियल ऑयल और जो भी धूप वगैरह होती है डिफरेंट टाइप की, जो भी डिफरेंट टाइप के गिफ्ट्स है वो थे। इसमें भी कुछ गिफ्ट्स वगैरह हैं, मैट्स है और कारपेट है। और यहाँ पे और भी इस तरह की पॉट और क्रॉकरी की एक और शॉप थी। ये देखिए इसमें ज़्यादा वैरायटी है, ये हमने बाद में देखा, तो पहले हम लोग ले चुके थे उसके बाद देखा। यहाँ पे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, ब्रास की ज्वेलरी अवेलेबल थी। और एंड में हम शाम हो गई थी तो चौकी हवेली जाना था इसके बाद, तो थोड़ी सी भूख लगाई थी तो हमने थोड़े बहुत यहाँ पे वो भेल पूरी वगैरह हमने लिया था यहाँ से, वो खाया था। 5:30 के अराउंड हो रहा था अभी। इसके बाद हम गए चौकी हवेली, तो बाहर में इस तरह से राइड्स वगैरह थी, तो मैं इसमें थोड़ा सा जो ग्लिम्स है चौकी हवेली की वो शेयर कर रही हूँ। और इसकी जो डिटेल वीडियो है वो मैंने शेयर किया है मेरे प्रीवियस व्लॉग में, वो आप ज़रूर देखना, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने, तो वहाँ से आप चेकआउट करना। तो फ्रेंड्स नोएडा हाट में हैंडलूम की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं और बहुत ही कलरफुल लगता है ये हाट देखने में, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी बहुत सारी कलरफुल चीज़ें हैं जो अभी आपने क्लिप वगैरह में भी देखी होगी। तो वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, बहुत कम, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि शॉपिंग के ख्याल से हम लोग गए नहीं थे तो, और धूप बहुत ज़्यादा थी तो ज़्यादा कुछ ले नहीं पाए, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी तो कुछ चीज़ें तो मैंने ली हैं, तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। तो वो जो सेरेमिक की जो शॉप थी वहाँ से मैंने ये कॉफ़ी मग्स लिए हैं,
इस तरह का मेरे पास काफ़ी पहले एक था ग्रीन कलर का, तो वो टूट गया था, उसको मैंने प्लांटर बना दिया था। और ऐसे मैंने दो कप्स लिए हैं, और वहीं से मैंने एक प्लांटर भी लिया है, ये वाला प्लांटर, ये पिस्ता ग्रीन कलर का है, और इसमें मैंने इस तरह से जेड प्लांट लगा दिया है। तो ये मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा, और ये वाला जो कॉफ़ी मग है ये भी 50 रुपीज़ ईच था। तो ये मैंने दो चीज़ें वहाँ से ली, और फिर वहाँ पे एक फ्रेग्रेंस की बहुत अच्छी सी शॉप थी, बहुत अच्छी, काफ़ी सारे फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें थी। तो वहाँ से मैंने ये इस तरह की ये मैंने लिए हैं, ये आप बोल सकते धूप है, ये रोज़ के फ्रेग्रेंस वाली, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू है इसकी, इसमें मुझे 50 रुपीज़ में 30। तो ये एक मैंने इस तरह से धूप जलाने वाला एक स्टैंड भी लिया है, हैंड के शेप का, ऊपर में लोटस है, और यहाँ से बहुत सुंदर सा जो धुआं होता है वो आपको लगेगा कि वाटरफॉल है, और यहाँ पे ये कलेक्ट होता है। तो इसकी क्लिप मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस धूप को इसमें जलाए, और ये मुझे 180 रुपीज़ का पड़ा। और साथ में ही ये आप छोटा सा एक मटका देख रहे होंगे, ये हैंड पेंटेड मटका है, इसमें वर्ली आर्ट बना हुआ है, ये बिल्कुल स्मॉल सा है, ये देखिए। और ये टूथपिक स्टैंड है, अब इसमें टूथपिक वगैरह रख के टेबल में रख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है। तो ये मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, ये 100 रुपीज़ का है। तो वहाँ पे और भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और जो ज्वेलरी वाली शॉप थी वहाँ से मेरी फ्रेंड ने एक चोकर लिया था। तो इस तरह से हमने छोटी मोटी चीज़ें खरीदी, और फिर तो इस तरह से मैंने यही छोटी मोटी चीज़ें कुछ खरीदी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो आई होप कि आपको ये हॉल पसंद आया होगा, और आप बताइएगा मुझे वीडियो में कि आपको इनमें से सबसे अच्छा क्या लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Your pretty eyes make me smile, and your little fists make me stay with you, eyelash.